Hi, I'm Dr. Rajesh Puri, Senior Director, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences. आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा, जॉन्डिस एक डिजीज नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम्स है जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ये खून के ज़्यादा टूटने से हो सकता है, ये लीवर के खराब होने से, चाहे वो शराब पीने से हुआ हो, चाहे वो वायरल हेपेटाइटिस से हुआ हो, चाहे वो फैटी लीवर से हुआ हो, उसकी वजह से हो सकता है, और कई बार ये पित्त की नली से ब्लॉकेज होने की वजह से होता है, जिसके कि जब लीवर के अंदर बाइल बनता है और वो बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में आता है, और अगर बाइल डक्ट ब्लॉक होती है तो जॉन्डिस हो जाता है। तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा बाइल डक्ट की ब्लॉकेज से जो जॉन्डिस होता है, इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, आँखों का पीलापन होना, पेशाब का पीलापन आना और हाथ पैरों का पीलापन होना। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जॉन्डिस के साथ ही साथ पेशेंट के शरीर में खुजली चलने लग जाती है। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स होता है तो इन पेशेंट को अमूमन तौर पे लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा अल्ट्रासाउंड कराना होता है, ऐसे पेशेंट को सीटी स्कैन और एमआरआई कराना होता है, क्योंकि बाइल डक्ट की ब्लॉकेज जो होती है वो बाइल डक्ट में स्टोन की वजह से हो सकती है, बाइल डक्ट में कैंसर की वजह से हो सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, वो माइग्रेट करके बाइल डक्ट में आ जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को हम एंडोस्कोपी के जरिए ठीक कर सकते हैं। अमूमन तौर पे इन पेशेंट को पेट में दर्द होता है, जॉन्डिस होती है, फीवर आता है। बट जब जॉन्डिस कैंसर की वजह से होता है, जो बाइल डक्ट का जिसको हम कैंसर कहते हैं, इसके अंदर जनरली जॉन्डिस फीवर के साथ नहीं आता है, सिर्फ पेशेंट को जॉन्डिस होता है और इचिंग होती है। इन पेशेंट्स के अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत यूज़फुल होता है, और एक बार अगर आपको क्लियर हो जाता है कि इन पेशेंट को कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर ये सर्जिकली ऑपरेबल होते हैं, जिसको कि हम सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा पता करते हैं, तो इन पेशेंट्स की सर्जरी कराई जाती है, और अगर ये पेशेंट सर्जिकली ऑपरेबल नहीं होते हैं तो इन पेशेंट्स को हम एंडोस्कोपी के जरिए स्टेंट डाल के ठीक किया जा सकता है।